पद्मभूषण तुलसी पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य जी महाराज के आगमन से भिलाई की धरती अभिभूत होने जा रही है। माता कौशल्या मानस प्रचारिणी सभा भिलाई एवं राम मिलेंगे तेंदुआ श्री नारायण आश्रम के संयुक्त प्रावधान में 15 फरवरी से 23 फरवरी तक 9 दिवसीय राम कथा इस अमृत वर्षा एवं 1008 कुंडी हनुमत महायज्ञ का आयोजन भिलाई के जयंती स्टेडियम में किया जाएगा, जिसमें रामानंदाचार्य स्वामी राम भद्राचार्य महाराज के श्रीमुख से श्री राम कथा का वाचन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर आयोजकों ने पूरी तैयारियां कर ली है और प्रदेश की जनता से अपील की है कि श्री राम कथा का श्रवण कर आध्यात्मिक लाभ उठाएं। श्री राम कथा के साथ साथ हनुमत यज्ञ जो है 15 फरवरी से होने वाला है इस भिलाई की इस पावन धरा पर, और इस कथा को पद्म विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम भद्राचार्य के श्रीमुख से यह सारी कथाएं होंगी। और इस कथा का उद्देश्य पाक अधिकृत कश्मीर को वापस ले भारत सरकार, ये प्रमुख उद्देश्य सारी जितने भी यज्ञ हो रहे हैं, कथाएं हो रही हैं, गुरुदेव का यही है उद्देश्य। और दूसरा, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार विकास में लोग इस सनातन धर्म को अपने हृदय में स्थापित करें। सारी व्यवस्थाएँ जनता जनार्दन, आप सभी और हमारे जो सहयोगी लोग हैं, इन सभी के सहयोग से सारी व्यवस्थाएं उसमें श्री राम कथा की होंगी। उसमें 1008 कुंडी यज्ञ होगा और आप सभी प्रेस वालों के लिए सारे संसाधन होंगे, बैठने की व्यवस्थाएं होंगी जैसे आम तौर पर सामान्य कथाएं होती हैं, परंतु इस श्री राम कथा का एक अद्भुत रूप से एक हमारी जो सोच है कि इसका प्रचार प्रसार बस होगा, पर हम लोग अपनी तरफ से कोई लाने ले जाने ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं करेंगे। स्वस्फूर्त रूप से जिन्हें आना होगा बिल्कुल आएंगे, और हमें अनुमान है लाखों की संख्या में जगत गुरु के दर्शन के लिए, उनकी श्री राम कथा के श्रवण करने के लिए लोग आएँ। और हमारा अनुरोध है, हमारा विनम्र प्रार्थना है कि हृदय से इस कथा को सुनने के लिए आएँ, जो अन्य कथाओं से बहुत ही अलग होती हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि आज जो श्री राम मंदिर अयोध्या में जिसका लोकार्पण होने जा रहा है, जिसके साक्ष्य प्रमुख साक्ष्य जो हैं जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी रहे, 441 साक्ष्य उन्होंने दिया था न्यायालय के समक्ष, 10 दिन से अधिक उनका बयान हुआ था और अकेले उनके बयान पर 100 से अधिक पृष्ठ लिखा है न्यायालय ने, 100 से अधिक पृष्ठ लिखा हुआ है। 441 साक्षियों में 437 साक्षियों को न्यायालय माना, और जो कि उनके शेष जो 4 साक्ष्य थे जो कि अदृश्य होने के कारण, थोड़ा अपूर्णता के कारण ही न्यायालय ने उसे स्थान नहीं दिया, यद्यपि वो सही थे। तो जिस श्री राम लला के महानायक के राम जन्मभूमि का लोकार्पण होने जा रहे हैं, हमारे लिए तो बहुत ही खुशी की और गौरव की बात है, गुरुदेव जी के लिए भी है, क्योंकि गुरुदेव जी राघव सरकार को बच्चे के रूप में पूछते हैं। गुरुदेव का गोत्र वशिष्ठ गोत्र होने के नाते श्री राघव सरकार उनके शिष्य होते हैं। श्री राम कथा जयंती स्टेडियम में होगी और 9 दिवस का कार्यक्रम है। 9 दिवस के कार्यक्रम में हम हनुमत यज्ञ का भी एक रखे हैं कार्यक्रम, ताकि वो लोग अधिक से अधिक जुड़ें, जिसमें शायद उस यज्ञ में बैठने के लिए 21,000 रुपये का सिर्फ एक नॉमिनल प्रावधान किया गया है, जिसमें सारी व्यवस्थाएं यज्ञ की सारी सामग्री और सारी व्यवस्थाएं हमारी ओर से होंगी। यद्यपि एक व्यक्ति एक यज्ञ में भी बैठता है तो उसके खर्चे 50,000 से ऊपर हो जाते हैं, वो सब उसी के ऊपर लग जाने हैं सारे पैसे। तो यज्ञ से एक आकर्षण भी बढ़ेगा, लोगों को मानसिक शांति मिलेगी, वहाँ का वातावरण अद्भुत होगा, जहाँ पर सारे के सारे चंदन की खुशबू आएगी। तो एक हमारा इस तरीके से उद्देश्य है, और गुरुदेव भगवान वहाँ पर 9 दिन शानदार कथा करेंगे और सभी लोग उस रस में डूबेंगे।